देखिए, सबसे पहले किसी स्टेट को, किसी राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा को मजबूत करना होगा। भाई 30 साल तक लालू यादव जी राज किए, शिक्षा को एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए। नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार ये हाल में कर दिया कि साहब बस खिचड़ी खाओ और घर स्कूल जाओ, खिचड़ी खाओ और फिर घर वापस आओ। तो अभी तक आज़ादी के बाद बिहार में सिर्फ 1200 से 1300 फैमिली है जिनके घर से ही MLA, MP, आज़ादी के बाद जो भी लोग पॉलिटिकल लोग यहाँ कंसस रहे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने फैमिली के लिए उनकी सोच रही। बाकी लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं रहा। साल भर पहले प्रशांत किशोर जी को लोग बड़े हल्के में बिहार में ले रहे थे कि अरे ये आए हैं, दो चार महीना घूमेंगे चले जाएंगे। अब सबकी बैंड बज रही है कि आज़ादी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव-गांव घूमकर हमारे लोगों के बीच जाकर लोगों की क्या स्थिति है, लोग किस बदहाली से जी रहे हैं, क्या आज तक किसी ने किया है? आज तक चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितनी भी पार्टियां देश स्तर की हो या बिहार स्तर की, अकेला प्रशांत किशोर जी है वो शख्स है। प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के आलाकमान हैं, वो हमेशा पदयात्रा करते हैं। उस पदयात्रा का लोगों में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण लग रहा है? नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे हैं FOB न्यूज़। आप सभी दर्शकों का FOB न्यूज़ में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार में काफ़ी लंबा समय से राजनीति कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सोच समझ रखते हैं बिहार के राजनीति के बारे में। आइए इनसे जानते हैं क्या आने वाला 2025 के चुनाव में जनसुराज का कितना प्रभाव रहेगा, क्या वो अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आइए इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार में कई राजनीतिक दल आते हैं और वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, बिहार की गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। यही घिसी पिटी बात कहकर वो जनता का वोट तो ले लेते हैं लेकिन जनता का उत्थान नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, मैं आपके दर्शक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी कि आपने मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम सरवर अली है और मैं फ़िलहाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहा हूं और प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो समझ है, उससे मैं इतना प्रभावित हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों के बाद बिहार देश के अग्रणी राज्य में नंबर 1 पे आएगा। प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के आलाकमान हैं, वो हमेशा पदयात्रा करते हैं। उस पदयात्रा का लोगों में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण लग रहा है? हाँ। बेगूसराय में खुल गया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल शिवायु, जहां एम्स दिल्ली के 2 प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से सभी आंख संबंधित रोगों का होता है बेहतर इलाज, जैसे सफेद एवं काला मोतियाबिंद, फेको सर्जरी, रेटिना सर्जरी एवं आधुनिक चश्मा। हमारा पता है बाघा मिलन चौक, बेगूसराय, बिहार। हाँ, ठीक बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि पद यात्रा करके प्रशांत किशोर जी ये जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कैसे कैसे लोग जीवन अपनी व्यतीत कर रहे हैं, वो अपनी नज़रों से देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 70 साल के, 60 साल की औरतें, जो लोग हैं उनके पैर में चप्पल नहीं है, उनको पूरा कपड़ा नहीं है, बहुत ही बदहाली है, लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, इतना गरीबी है। इसका क्या कारण है, क्या राजनीतिक पार्टी के कारण इस तरह की बिहार की दशाएँ हैं? देखिए, असल में क्या है ना, इसमें बदहाली का कई कारण है लेकिन 1-2 कारण है जो मुख्य कारण है। सबसे पहले आज़ाद होने के बाद हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी अच्छी सोच रखने वाले थे, अच्छी समझ रखने वाले थे, लेकिन वो लोग अपने व्यक्ति विशेष, अपने पहचान के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने खास लोगों के लिए ही बिल्कुल सीमित रहे। गरीबों को कैसे, गरीबों का उत्थान कैसे हो सके, गरीबी कैसे ख़त्म हो सके, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज़ादी के बाद जो भी लोग पॉलिटिकल लोग यहाँ कंसस रहे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने फैमिली के लिए उनकी सोच रही। बाकी लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं रहा और न शिक्षा पे कोई काम हुआ। देखिए, सबसे पहले
किसी स्टेट को, किसी राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा को मजबूत करना होगा। यहाँ की स्तर, शिक्षा स्तर इतना खराब रहा भाई, 30 साल तक लालू यादव जी राज किए, शिक्षा को एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए। नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार ये हाल में कर दिया कि साहब बस खिचड़ी खाओ और घर, स्कूल जाओ खिचड़ी खाओ और फिर घर वापस आओ। क्या प्रशांत किशोर जी इसमें सक्सेस हो पाएंगे, जहाँ इतना अभी बदहाली है, लोग यहाँ से दूर होकर पलायन करके विदेश और भारत के कई राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, क्या वो इस तरह की जो बदहाली है बिहार की वो दूर कर पाएंगे? क्या लगता है वो संभव है उनसे? बेगूसराय शहर में खुल चुका है रूफटॉप रेस्टोरेंट जिसका नाम है पंचतारा रेस्टोरेंट, जहां पर आप खाने के साथ साथ जो है नेचर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और रूफ में फर्स्ट रूफटॉप है, उसके बाद खाना भी लजीज है और बहुत बेहतर है। बेगूसराय में इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलने वाला है। एम्बियंस तो बहुत बहुत मतलब अच्छा है, काफी के हिसाब से ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे बेगूसराय में। पर फुल्ली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। क्या आज़ादी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव-गांव घूमकर हमारे लोगों के बीच जाकर लोगों की क्या स्थिति है, लोग किस बदहाली से जी रहे हैं, क्या आज तक किसी ने किया है? आज तक चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितनी भी पार्टियां देश स्तर की हो या बिहार स्तर की, अकेला प्रशांत किशोर जी है वो शख्स है जो गांव-गांव घूमकर आपके बदहाली को देख रहा है और उस पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है कि इस बदहाली को, बिहार को बदहाली को कैसे ख़त्म किया जाए, शिक्षा का स्तर कितना अच्छा किया जाए। साल भर पहले प्रशांत किशोर जी को लोग बड़े हल्के में बिहार में ले रहे थे कि अरे ये आए हैं, दो चार महीना घूमेंगे चले जाएंगे। अब सबकी बैंड बज रही है, अब सबको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा ताकत लेके आ रहा है कि हम लोग सब का हालत ख़राब हो जाएगा। और वो लोग इतना चिंतित हैं कि अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर जी हिस्सेदारी की बात करने लगे तब अब उन लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे भी हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। और चिट्ठी पे चिट्ठी जो चाहे जनता दल हो चाहे RJD हो निकालना शुरू कर दिया है कि भाई जनस्वराज में नहीं जुड़ो, मेरे साथ रहो, मैं तुमको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, हम यहां लाभ दे देंगे, हम वहां लाभ दे देंगे। मैं देख रहा हूं, मैं साहेबपुर कमाल में घूम रहा था, पदयात्रा का पूरा असर दिख रहा है बिल्कुल आम लोग पर के साथ साथ राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर भी बिल्कुल काफ़ी घबराहट है और राहत में घबराहट है। मैं समझ रहा हूँ, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में मैं घूमता हूँ, पहले ऐसा था कि वहाँ के जो सिटिंग MLA हैं वो MLA साहब साल में कहीं कभी कधार चले जाते थे। आज ये नतीजा है कि जब मैं घूमने लगा हूँ, जनस्वराज संगठन वहाँ मजबूत होने लगा है, लोग बहुत तेज़ी से RJD और जदयू छोड़ के हमारे साथ होने लगे हैं, तो वहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं उनका पसीना छूटने लगा है और अब किसी छोटी सी छोटी घटना में अब वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जनस्वराज का डर है और भय है। लोग तो कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि राजनीति के एक ऐसा दलदल है, बहुत ही घटिया ये राजनीतिक वाला काम होता है, इसलिए लोग इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं। नहीं, उसकी वजह जानते हैं क्या है? लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अब से पहले, प्रशांत किशोर से पहले जितने भी लोग राजनीति में आए ना, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत लोगों को ठगा है, बहुत लोगों से उम्मीदें जगा जगा के, उम्मीदें दिला दिला के और उनके साथ ना उम्मीदी आ गई है, तो लोग तो कहेंगे ही कि पॉलिटिकल लोग बड़े धोखेबाज होते हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आज आप याद करके यहाँ से जाइए, आप ये सुन के जाइए कि 2025 में 243 सीट पे प्रशांत किशोर जी जनस्वराज लड़ेगी और 243 से 243 सीट कर जीत के आएगी और सही सोच सही लोग वाले सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं बिहार में किसका समीकरण बन रहा है 2025 में सरकार बनाने के लिए? क्योंकि जनस्वराज के आलाकमान प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को हम अग्रणी राज्य बनाकर रहेंगे और आने वाला 2025 के चुनाव में 243 सीटों पर जनस्वराज चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों पर जीत भी हासिल करेगी, इस तरह के दावे कर रही है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर बताइएगा, बिहार में किसका पलड़ा भारी होने वाला है 2025 में? इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।